नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप अपने ब्लॉग को जो है एडिट कैसे करें। मैंने पिछली वीडियो में बताया था ब्लॉग बनाना और उसपे जो है टेम्पलेट्स, जो है डिजाइनर टेम्पलेट्स जो प्रोफेशनल लोग यूज करते हैं उसे अप्लाई करना, कि उसको कैसे अप्लाई करते हैं अपने ब्लॉग में। आप सिंपल ब्लॉग देखते हैं, बहुत से लोगों ने सिंपल ब्लॉग बनाया है लेकिन जो है उन्हें टेम्पलेट्स अप्लाई नहीं करना आता, उसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बनाया था। लेकिन इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि आप अपने ब्लॉग को जो है इस तरह से कैसे एडिट करें। जैसे मैंने यहाँ पे देख सकते हैं होम पेज, ऑल पोस्ट, ब्लॉग टिप्स, टॉप एप्स, टिप्स एंड ट्रिक्स, हैकिंग, अर्न मनी, हेल्थ टिप्स और एडुकेशन से संबंधित जो है यहाँ पे जो मेन्यू बार में लगाए हैं ऑप्शन। और नीचे में देख सकते हैं आप, यहाँ पे कोई भी जानकारी आप सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ से सर्च कर सकते हैं। पॉपुलर पोस्ट, बगल में लेबल्स क्लाउड और इधर पे ब्लॉग आर्चीव्स। और नीचे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने अपना फेसबुक का पेज लगाया है और यहाँ पे जो है गूगल फॉलोवर का लगाया है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट फॉर्म है। यहाँ पे यहाँ से अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो अपना नाम, ईमेल एड्रेस और जो दिक्कत है उसको लिख के आप हमें सेंड कर सकते हैं, मैं उसे देख के आपकी जो है मदद कर सकता हूँ। तो यहाँ से आप पोस्ट देख सकते हैं, बहुत सारे पोस्ट मैंने लिखे हैं, आप उनको पढ़ें और देखिए आपकी क्या हेल्प में आ सकती है। और यहाँ पे मैंने कुछ अपने बारे में लिखा है, यहाँ पे कुछ पॉपुलर टैग्स हैं और यहाँ पे कुछ पॉपुलर पोस्ट हैं। तो इन सभी के बारे में मैं आज बताऊंगा कि इसको कैसे एडिट करना है। ये वीडियो थोड़ी लंबी जा सकती है तो आप इसको स्किप ना करें और ध्यान से देखें कि कैसे HTML में एडिट किया जाता है। जिन दोस्तों को HTML नहीं आता वो लोग भी HTML में एडिट करना सीख जाएंगे इस वीडियो की मदद से, तो स्किप ना करें। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में ये वाली ब्लॉग बनाई थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ब्लॉग बनाई बहुत सिंपल है। इसको कैसे एडिट करना है, जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने एक एडिट किया है रोहित और मेनू वन, तो मैंने इसमें कोई पोस्ट डाला नहीं है। मैंने आप सभी को बताया था कि आप जिन कैटेगरी की जो है आप यहाँ पे मेनू बार बनाना चाहते हैं उन सभी के लिए एक एक पोस्ट लिख लें और उसमें जो है लेबल्स का मतलब कैटेगरी उसकी डिवाइड कर दें, मतलब किस कैटेगरी में किसे रखना है। उस तरह से जब आप डिवाइड कर लेंगे उस तरह से आपको यहाँ पे जो है एडिट करने में बहुत आसानी होगी। तो यहाँ से देख सकते हैं पहले से लगा हुआ है अबाउट मी होम ऑप्शन लगा हुआ है, तो इसके हम इस ब्लॉक पैनल में आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लेआउट में जाएंगे, लेआउट में आने के बाद आपको यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे ही आप टेम्पलेट अप्लाई करेंगे तो कुछ फालतू जो होते हैं उनको आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे पे देख सकते हैं यहाँ पे फैशन वगैरह का आ रहा है तो हमें ये सब यहाँ पे देख सकते हैं नहीं चाहिए। इसको कैसे एडिट करते हैं, कोई एडिट पे क्लिक करते हैं और अगर चाहिए होता है तो हम उसको रखते हैं और नहीं तो रिमूव कर देना है इसे। तो रिमूव कर देते हैं हम इसे और इसको भी रिमूव कर देते हैं। तो इस तरह से हमें जो चाहिए उसको रख सकते हैं, नहीं चाहिए उसको रिमूव कर दें। तो रिमूव करने के बाद आपको क्या करना है, तो सिंपली है कि ये सभी लोग कर लेंगे बहुत आसानी से, लेकिन इसमें जो HTML का कोडिंग है उसको समझने में थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, तो इसको देखते रहिए। और यहाँ पे देख सकते हैं एडसेंस वगैरह के जो जो लगे हुए हैं बॉक्स उसको यहाँ पे आप डिवाइड किया हुआ है सारे चीज। यहाँ पे फ्यूचर पोस्ट, अबाउट मी, तो इसको जो है अगर पीसी पे काम कर रहे हैं तो आप इसको स्क्रॉल करके ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इसको मैंने स्क्रॉल करके ऊपर नीचे कर सकता हूँ। हमें जो यहाँ पे एडसेंस का दो नहीं चाहिए, एक चाहिए, हमें सिंपली यहाँ से रिमूव कर देना है इसे। तो ये रिमूव हो गया, हमें जो चाहिए उसको अपने हिसाब से सेट एडजस्ट कर लेंगे, हमें जो ऊपर नीचे चाहिए। उसके बाद जो है यहाँ पे आप अपना फेविकॉल लगा सकते हैं, हेडर डाल सकते हैं, यहाँ पे अपना जो है एडसेंस का अगर आपका अप्रूव हो जाएगा तो यहाँ से आप टेक्स्ट डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अप्रूव किया तो यहाँ पे जो हमारा एड शो करता है मेरे में नहीं करेगा, आप अगर इसको खोलेंगे तो एड शो करेगा और उस पर जो लोग क्लिक करेंगे उसके पैसे जो है हमें मिलेंगे। तो इस तरह से एडसेंस से भी कमाई हो जाती है। यहाँ पे आप बैनर पोस्ट लगा सकते हैं, उसके जगह मैंने यहाँ पे अपना जो है कि पेज का वो लगाया, सिंबल लगाया, माई टेक्निकल पेज समथिंग, ठीक है। इस तरह से आप एडिट करके कोई पिक लगा सकते हैं यहाँ पे। तो अगर एडसेंस का लगाना है तो एडसेंस का एड लगा सकते हैं। तो आपको बताता हूँ HTML में कैसे एडिट करना है। यहाँ पे हमें थीम सेक्शन में जाना है, देखिए मैंने यहाँ थीम सेक्शन में आ गया है। यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको जो है वेब पेज मिलेगा। तो यहाँ पे हमें सिंपली हमें अगर आपके पास तो इसका जो बैकअप होगा तो सही है, नहीं है तो आप यहाँ से जो उसका थीम जो है बैकअप जो है डाउनलोड कर लें ताकि बाद में कोई परेशानी आने पर इसे अपलोड कर दें अपने ब्लॉग पे। तो
तो मैं यहाँ से आता हूँ सीधे एडिट HTML में। तो एडिट HTML में आने के बाद आपको करना क्या है कि आप जो भी पोस्ट जो है आप अपने उसमें लगाना चाहते हैं, यहाँ पे इस जगह कहाँ दिखा देता हूँ, इस जगह पे जहाँ मेनू वन है मैं यहाँ पे कुछ दूसरा किस लिखना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे मेनू वन है तो यहाँ पे मैं लगा देना चाहता हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स। तो इसको कैसे लगाना है तो मैं आपको बताता हूँ। तो मैं आपने जो कैटेगरी डिवाइड की होगी, जैसे मैं यहाँ पे मैंने देखी टिप्स एंड ट्रिक्स की कैटेगरी डिवाइड की है, यहाँ पे देख लेते। तो जैसे ही आप टिप्स एंड टिप्स की कैटेगरी डिवाइड करेंगे, यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ मॉल टिप्स एंड ट्रिक्स की, इसको ओपन कर लेंगे मॉल टिप्स एंड ट्रिक्स। तो देखिए ये ओपन हो गया। इसको हमें सिंपली लिंक कॉपी कर लेना है, तो अभी नहीं करेंगे, मैं आपको बता दूँ कैसे कॉपी करना है। हमें जिसकी जगह चाहिए, जैसे मोबाइल की जगह नहीं, एरर पेज की जगह मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स लगाना है। तो एरर पेज इसकी स्पेलिंग आप देख लीजिए क्या है, और उसके बाद यहाँ पे जाना है कंट्रोल एफ आपको दबाना है, तो ये सर्च बॉक्स आ जाएगा फाइंड करने के लिए। आपको टाइप करना है एरर पीएचजी पेज, उसके बाद इंटर करना है। तो वाली पेज जहाँ पे होगी वो आपको ढूंढना है। तो सिंपली ध्यान रखिएगा कि आपको कुछ इस तरह का मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से कुछ आएगा। तो ध्यान यही रखना है कि वो कहाँ पे आ रहा है, कौन सा सही है कौन सा नहीं। ये जिन लोगों को हल्का फुल्का HTML के बारे में पता होगा वो लोग आसानी से इसे ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे आप सिंपली मिला सकते हैं, यहाँ पे मोबाइल आ रहा है उसके बाद एरर पेज आ रहा है, इसको एरर पेज को हमें करना है मोबाइल टिप्स एंड ट्रिक्स। तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं मोबाइल मोबाइल टिप्स, और उसके बाद सिंपली हमें से यहाँ से ये वाली जो लेबल्स हमें जो चाहिए उसको ओपन करके उसका लिंक जो है यहाँ से हमें कॉपी कर लेना है। तो लिंक मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी दबाकर, और उसके बाद हमें इस जगह पेस्ट करना है जहाँ पे हच का ऑप्शन आपको दिख रहा है, HREF की जगह इस जगह। तो यहाँ पे हमें सिंपली यह जो हच का स्टार बना हुआ है सिंबल की जगह इसको पेस्ट कर देना है कंट्रोल सी दबा के, उसके बाद हमें सेव थीम पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आप जितने लोग हैं जितनी भी यहाँ पे कैटेगरी है उसको आप एडिट करके और उसका लिंक कॉपी करके वहां पे लगा दें, जिस जगह मैंने बताया हज की जगह, यहाँ पे सारी जगह पे वैसे ही लगा देना है आपको। उसके बाद सेव कर देना। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करके देखता हूँ ये हमारा जो है यहाँ पे जो ने एडिट किया वो आ रहा है कि नहीं, तो यह इसको एडिट कर रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे रिफ्रेश कर लिया और ये ऑप्शन आ गया, तो मैं इसको ओपन करके देखता हूँ कि ये खुलता है कि नहीं। तो मैंने अपने पेज का दिया था यहाँ से, तो ये वाली पेज जो है खुलेगी यहाँ पे इस वाले ब्लॉग में। इस पर क्लिक करते हैं देखते हैं खुलता है कि नहीं। तो हाँ देख सकते हैं दोस्तों वाली पेज जो है यहाँ पे खुल गई। तो आप अपने ब्लॉग का जो URL देंगे वो URL यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है सारी चीजें एडिट कर सकते हैं, आपको जो चाहिए होगा। जैसे मैं यहाँ पे देख सकते हैं ट्विटर इंस्टाग्राम फेसबुक गूगल प्लस आ रहा है, इसको जो है आप सर्च कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे आपको ट्विटर का एडिट करना है तो ट्विटर सर्च कर लेंगे आप, तो यहाँ पे देख सकते हैं ट्विटर का आ रहा है यहाँ पे। तो ट्विटर का ऑप्शन जहाँ पे आएगा, मैं इसको ओपन खोल के आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ट्विटर का ऑप्शन आ रहा है ट्विटर टाइप टाइटल। तो इस जगह पे आपको जो है URL कॉपी कर लेना है। सॉरी मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे आ रहा है, तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के इसको खोजना होगा। देख सकते हैं यहाँ पे आ गया ट्विटर का। तो ट्विटर में नो फॉलो टारगेट ब्लैंक जो आ रहा है ट्विटर का, ये इस जगह अपना जो है URL एड्रेस डाल देना है। तो मैं यहाँ पे अपना डाल देता हूँ, twitter.com/myTechnicalPage को डालने के बाद जो है आपको यहाँ पे सेव कर देना है। सेव कर देंगे तो यहाँ से जो ट्विटर में यहाँ पे मेरा पेज आ जाएगा, जो खोलेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं। सॉरी दूसरी जगह लग गया है, कहीं और पे ट्विटर पे शायद इस जगह पे लगा हो। हाँ देखिए इस जगह पे लगा है ट्विटर का, तो इस जगह पे देखिए मेरा ओपन हो जा रहा है यहाँ पे, इस जगह मैंने लगाया था। आपको दिखा देते हैं इस जगह पे जो है एडिट कर सकते हो। तो सारी चीजें आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, आप जिस चीज को एडिट करना चाहते हैं कंट्रोल एफ दबा के आप उसको सर्च कर ले,
और उसका जैसे मैंने बताया कि लिंक कॉपी करना है, उसको पेस्ट कर देना है, हज की जगह पेस्ट करना है, तो इस तरह से जो बहुत लोग नहीं जानते उसको भी आसानी से खोज के, थोड़ा सा परेशानी आएगी लेकिन उसको खोज के आसानी से आप कर सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पे भी ढेर सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको एडिट करने के, यहाँ पे देख सकते हैं, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको जाना है लेआउट में, तो लेआउट में अपने हिसाब से जो है अरेंजमेंट कर सकते हैं इधर उधर खसका के इसको। तो पीसी से करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर पड़ेगा, मोबाइल से उतना अच्छा हो नहीं पाएगा, तो पीसी से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हैं, अपने हिसाब से सेट करने के बाद जो है सेव अरेंजमेंट पे क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको कोई नया चीज़ जोड़ना है, नया टूल जोड़ना है, तो इस तरह से आप नया टूल जो यहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो मैं आप आगे एक आर्टिकल लिखने वाला हूँ उसके बारे में बता दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे अपना फेसबुक पेज लगाया है यहाँ पे, तो फेसबुक पेज कैसे लगाते हैं वो अपने ब्लॉग पे एक या दो दिन में आर्टिकल इसके बारे में लिखूंगा। इसका कोडिंग है, वो कोडिंग आपको दे दूंगा, वो तो कॉपी करके आप जो है अपने ब्लॉग पर पेस्ट कर दीजिएगा, तो वहाँ पे आपका भी है जो फेसबुक का पेज है वहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से आप कोई फ्रेंड लाइक भी कर सकता है, अनलाइक भी कर सकता है, तो यहाँ से जो है कर सकता है आराम से। और यहाँ पे फॉलो का ऑप्शन आपको ब्लॉग के सेक्शन में मिल जाएगा, तो यहाँ से देख सकते हैं मेरा ट्विटर का पेज जो है यहाँ से एडिट किया तो ये ओपन हो गया। आप इसे ट्विटर पे सर्च कर सकते हैं, माई टेक्निकल पेज के नाम से है। तो इस तरह से जो है वीडियो ब्लॉग एडिट करते हैं। और मैं आगे की वीडियो में बताने वाला हूँ कि एडसेंस कैसे जो है अपने ब्लॉग के लिए अप्रूव कराएं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कोई वीडियो मिस मत करिएगा, क्योंकि मैं फ्री में बता रहा हूँ, शायद कोई इतने अच्छे से ना बताए या ना समझाए। मैंने बहुत सी चीजें देखी है, बहुत से सिंपल से चीजें बता देते कि ब्लॉग बनाना कैसे है, एडिट करने के बारे में नहीं बताते उसको एडिट कैसे करना है। और बहुत से लोग जो है ब्लॉगर अप्रूवल के लिए, सॉरी एडसेंस अप्रूवल के लिए बताते हैं, मैंने बहुत सारी वीडियो देखी हैं, काफी हेल्पफुल रही है, लेकिन बहुत से लोगों को समझ में नहीं आती कि एडसेंस जो है अप्रूव कैसे कराते हैं आसानी से। बहुत से लोगों ने बता दिया कि ब्लॉग पे आर्टिकल लिखिए और एडसेंस के लिए अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई करते हैं लेकिन उनका जो आर्टिकल उतना अच्छा होता नहीं, इसलिए वो डिसअप्रूव हो जाता है और उनका एडसेंस जो है कभी अप्रूव ही नहीं होता। लेकिन मैं दूसरा मेथड बताऊंगा जिससे आपका 100% श्योर है कि आपका एडसेंस जो है अप्रूव हो जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत से कई लोगों का एडसेंस अप्रूव कराया है, उनमें से मेरे एक दोस्त का यहाँ पे आप देख सकते हैं है वायरल, मैंने उनका भी एडसेंस जो है अप्रूव करने के लिए डाल दिया, शायद एक दो दिन में हो जाए, तो उनका भी यहाँ पे आप देख सकते हैं वायरल सेवा के नाम से है। ये वाली डिजाइन भी मैंने ही उनको डिजाइन करके दिया है, अगर आपको कोई परेशानी आती तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं सिंपली। आप देख सकते हैं मैंने इसको कितनी अच्छे से एडिट किया है, सारी चीजें देख सकते हो, वो इस तरह के लिखते हैं, उनका ब्लॉग चेक कर लीजिएगा आप, तो कुछ इस तरह से अपना वो लिखते हैं मंत्र सिद्धि के बारे में, वो कुछ सुन की अलग ही दुनिया है। और यहाँ से मैंने उनको समझ में नहीं आया तो यहाँ पे मैंने अपने ब्लॉग का जो है एड्रेस डाल दिया है, ब्लॉग टिप्स टॉप टॉप एप्स एंड टिप्स एंड ट्रिक, तो यहाँ पे आप मेरी चीजें देख सकते हैं। और यहाँ पे उनका जो है, यहाँ पे मैंने इसको आज ही गो डैडी से खरीदा है और इसका डोमेन नेम जो है किया है, तो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा कि कैसे डोमेन नेम खरीदते हैं और कैसे उसको जो है अपने एडसेंस ब्लॉगर से जोड़ते हैं, तो इसके बारे में अगली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो दोस्त जो है हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं वीडियो इतने अच्छे अच्छे बनाता हूँ, आपको भी काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन आप जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो थोड़ा जो है अच्छा नहीं लगता आप, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि आपके और दोस्तों को पता चल जाए। तो चलते हैं, जय हिंद जय भारत।